नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थांकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। जैसा कि दर्शकों आप लोगों को पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नित नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं। लगातार हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग आपको जो है अंधकार से ज्ञान की ओर लेकर जाए। लगातार हमारी कोशिश रहती है कि हम आप लोगों को अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए, ताकि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के सटीक समाधान आप लोगों को जो है मिल सके। आज जैसे कि पूरे देश में इस समय करवा चौथ का त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है। जैसे आप लोगों को पता है कि इस दिन सुहागने अपने पति के लिए व्रत रखती है, उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करती है। आखिर जो ये करवा चौथ का व्रत है ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसको मनाने के पीछे का जो एक कारण है वो क्या है, बहुत से दर्शक हमें पूछते हैं। क्योंकि हम अक्सर जो है आपको हर त्योहार के पीछे की कहानी जो है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं करवा चौथ के पीछे की कहानी क्या है। ज्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधा आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। आज रोशनी थोड़ा कम है, लाइट नहीं आ रही है काफी देर से, इसलिए अपने चेहरे पे वो चमक नहीं डाल पा रहा हूँ जो डालनी चाहिए जी। आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ सबसे पहले, और साथ ही आपको शुभकामना देता हूँ मैं आज के दिन की। आज करवा चौथ है, सभी लोग बने रहे अपनी पत्नियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि अभी 4 दिन के बाद होली अष्टमी भी आ रही है जी। मित्रों, यह बड़ा पवित्र त्योहार है करवा चौथ, और इसके अंदर उमंग और उल्लास होती है जी। मैं ये कार्यक्रम करने से पहले बताना चाहता हूँ कि जितना पत्नी को पति की जरूरत है उतनी ही पति को पत्नी की जरूरत है जी, बिल्कुल। और मैं भी पिछले लगभग 24 साल से, 33 वर्ष मेरे शादी को हुए, 24 साल से मैं भी करवा चौथ का व्रत, साल में सिर्फ एक ही व्रत रखता हूँ करवा चौथ का जी। इसके पीछे कारण ये भी है कि आज का दिन गणेश जी के लिए माना जाता है। आज गणेश जी की पूजा का भी एक अच्छा दिन माना गया है करवा चौथ के रूप जी। इसकी कहानी भी सुनाता हूँ, इसमें कारण क्या है, क्यों मनाते हैं, मैं वो सब आपको सुनाता हूँ। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला त्योहार करवा चौथ आज में हम लोग सब मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। जो भारतीय लोग विदेश में रहते हैं वो भी आज के दिन ये मना रहे हैं। आज स्वागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर और छलनी से पत्नी का चेहरा देखकर व्रत को खोलती हैं जी। वही कुछ परिवारों में कुंवारी कन्याएं मनोकूल पति की प्राप्ति के लिए भी इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और तारों को देख के वो इस व्रत को खोलती है जी। करवा चौथ को ये पूरी कथा क्या है, सरगी क्या है, क्या मुहूर्त है, क्या है, पहली बात तो ये है, जो आज हम उपवास कर रहे हैं, आज हम लोग रोहिणी नक्षत्र में कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और बड़ा पवित्र माना जाता है। दिन बहुत अच्छा पड़ रहा है तो एक अपने आप में, जब दिन अच्छा पड़ता है, नक्षत्र अच्छा पड़ता है, तो उमंगे भी बेमिसाल हो जाती है। करवा चौथ देवी करवा अपने पति के लिए तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवे के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा जी। मृत्यु करीब देखकर करवे के पति अपने जोर जोर से पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में जाता देखकर करवा ने तुरंत कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ के को एक पेड़ से बांध दिया। करवे के सातित्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवे के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे, और आप इस बात को समझ लीजिए। हमारे यहाँ इस बीच में बता दूं, अनामी का उंगली के नीचे रेखा खींची होती है, कनिष्का उंगली और अनामिका के बीच में
वहां पर पता चलता है कि पति और पत्नी के बीच में कितना सुख है, कितनी शादियां होंगी, कितने बच्चे होंगे, ये हाथ के अंदर आपके पाम में छिपा होता है। जी कर्वे ने यमराज को पुकारा, अपने पतियों को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। जी क्रोधित होकर कर्वा ने यमराज से कहा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और कर्वे के पति को जीवन दान दे दिया। जी इसलिए कर्वे चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां कर्वा माता से प्रार्थना करती है, हे कर्वा माता जैसे आपने अपने पति की मृत्यु होने के करीब पहुंचने पर भी अपने स्वाग की रक्षा की, ऐसे ही मेरे स्वाग की भी रक्षा करना। जी करवे चौथ पे वैसे तो आजकल प्रचलन राशि के हिसाब से हो गया है, मेष जिनकी राशि है उनको लाल, जिनका वृक्षभ राशि है उनको दूधिया या उनको पिंक कलर का, जिनके मिथुन है उनको हरे रंग का, जिनकी कर्क है उनको पिंक कलर का, जिनका सिंह है उनको लाल कलर की, जिनकी कन्या है उनको फिर दोबारा पैरेट हरे कलर की, जिनका तुला है उनको पाइपिन लाल पाइपिन की सफेद साड़ी, जिनकी वृक्षिक है उनको लाल मैरून कलर की साड़ी, जिनकी धनु है उनकी पीली लाल साड़ी, जिनकी मकर है उनकी नीली साड़ी, जिनकी कुंभ है उनकी बूटेदार काली साड़ी, और जिनकी मीन है उनकी पीली और लाल साड़ी, ऐसा श्रृंगार बताया गया है। कर्वा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा ही था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। जी सावित्री के पति के प्राण को यमराज को छोड़ना पड़ा, सावित्री को वर देकर जाना पड़ा। अपना स्वाग हमेशा बना रहे और लंबे समय के लिए दोनों साथ रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बात जहां तक करवा चौथ की है, करवे चौथ में बहुत से लोग आजकल मजाक बनाते हैं, मैं उसका खंडन करता हूँ। ये मजाक का विषय नहीं, ये भारत की अस्मिता का प्रश्न है, लोगों की भावनाओं का प्रश्न है, महिलाओं के अपने विचारों का प्रश्न है। हमें भारतीय हिंदू जो धर्म है हमें उनका मजाक उड़ाना बंद करना पड़ेगा। जिन जो बाजार के अंदर पटाखे या दूसरी चीज पे देवताओं के फोटो बने होते हैं उनका विरोध करना पड़ेगा, तभी हम अपने संस्कार में वापस सही प्रकार से लौट पाएंगे। जी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि हे भगवान शिव, जैसे आपने सावित्री और कर्वे की पति की रक्षा की, भारत की हर महिला की इसी प्रकार रक्षा करो, सभी स्वागिन बनी रहे, सभी पति की पत्नियां बनी रहे, सभी के बच्चे ठीक ठाक रहे, और करवा चौथ की मैं आप लोगों को दोबारा से फिर बधाई देता हूँ। ईश्वर आप सब लोगों को सही रखे, और सर्गी एक तरह से मीठा पूड़ा आप उसको खाएं, स्वस्थ रहे मस्त रहे, यही मेरी आज की आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोगों के लिए शुभकामना है, यही आपके लिए आज मैं दे सकता हूँ। धन्यवाद। जी आचार्य जी, आचार्य जी करवा चौथ की बात हुई, आपने इतनी बेहतरीन तरीके से इसके पीछे की कहानी समझाई, उम्मीद है दर्शक बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझ पाए होंगे, क्योंकि क्या होता है कि आज का जो युवा है बड़ा ही रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा यूथ है, किसी भी चीज को करने से पहले उसका रिजल्ट जानना चाहता है कि इस चीज को हम क्यों करें। ज्यादातर लोग जैसे आपने कहा कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए, अपनी संस्कृति अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, तो शायद ये कहीं ना कहीं सभी यूथ को भी हेल्प करेगा कि इस त्योहार के पीछे क्या कहानी है, आपको ये पता चली क्यों इसे मनाया जाता है। एक सवाल यहाँ छोटा सा मेरा है आचार्य जी, हमने देखा है खासतौर पर युवाओं में आजकल एक ट्रेंड चलता जा रहा है, जैसे करवा चौथ का व्रत अब आया है, सुहागन ने अपने पतियों के लिए इस व्रत को रख दिया, हम देखते हैं कई जगहों पर आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, हालांकि सामने तो नहीं है लेकिन कुछ कुंवारी लड़कियां जो है जो रिलेशनशिप्स में है वो भी आजकल व्रत रखना उन लोगों ने भी शुरू कर दिया है,
तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, ये ठीक है क्या, क्या है ये, इस पे थोड़ा देखिए, जिन कन्याओं की शादी नहीं हुई है जी, वो भगवान गणेश को मनाती है और एक अच्छे पति की कामना से निर्जल इस उपवास को करती है जी। जो स्वाधीन स्त्रियां है वो चंद्रमा को देख के व्रत खोलती है, जो कुंवारी कन्या है वो तारों को देख के व्रत खोलती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हमें भी एक अच्छा और सुंदर पति मिले, यही उनकी कामना है। आजकल एक चीज और भी चल रही है, आजकल लड़कियां बहुत जल्दी प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है जी, तो भावनाओं में बहने के बाद वो अपने प्रेमी के लिए भी आजकल इस उपवास को रखने लगी है जी, ये स्थिति बनती है जी। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, स्थिति है धर्म की स्थिति वो तो बिल्कुल साफ सुथरी है कि कुंवारी लड़की है इस मत को रख सकती है। जनरली जो हमारे राजस्थान और पंजाब का समाज है वहां पर कुंवारी लड़की है इस उपवास को ज्यादा रखती है और इसके अंदर कोई बुराई भी नहीं है। अगर ईश्वर को मनाने का उनका ये ढंग है तो इसके अंदर कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती है। बस ये है, अपने कुमारे को बचा के रखे, अपने कुआरेपन को बचा के रखे, ये बहुत जरूरी हो जाता है उनके लिए जी। आचार्य जी बहुत बेहतरीन जानकारी। अब उम्मीद है दर्शकों को ये बात क्लियर हो गई होंगी कि जो विवाहित स्त्रियां हैं, विवाहित स्त्रियां जो अपने पति के लिए व्रत रखती है और कुंवारी लड़कियां इसलिए व्रत रखती है ताकि उन्हें एक अच्छा पति जो है, एक अच्छा जीवन साथी जो है वो मिल सके, इसके पीछे की ये धारणा है जिसको लेकर जो है कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखती है काफी दर्शकों ने। तो वो किसी और से कैसे उड़ सकता था, इसको भी सोचना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका पर चढ़ाई करते समय जी भगवान श्री राम से इस क्वेश्चन को पहले भी पूछा गया था जी, तो उन्होंने हंस के कहा था क्या रावण अपनी पुत्री से शादी करता, क्योंकि उस समय एक आकाशवाणी हुई है रावण तू शादी के चक्कर में पड़ा है, वहां तेरी लंका का नाश होता जा रहा है। तो रावण वहां से चला गया, तो जो वो धनुष था वो भगवान शिव का धनुष था। एक दिन माता सीता ने सफाई करते हुए चौके की उस धनुष को उठा के एक कोने में खड़ा कर दिया जी। महाराजा जनक ने देखा कि जिस धनुष को कोई हिला भी नहीं पाता जी, उसे एक कुंवारी कन्या ने एक कोने में खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब सीता माँ एक अद्भुत है जी। तो इनका विवाह भी उससे ही करना चाहिए जिस जो इस धनुष को तोड़ दे जी। अब आप महसूस करें शिव के धनुष को जो संसार के स्वामी है, ब्रह्मांड के स्वामी है, उनके धनुष को कौन सरकाएगा। बिल्कुल, तब उस धनुष की पूजा कराई गई और उसको अखंड धनुष का एक तमगा मिला जिसको कहते हैं कि एक उसको नाम दिया गया जी। सीता जी की शादी उसी से होगी जो इस धनुष को तोड़ देगा, ऐसा कह के जनक जी ने स्वयंवर का आयोजन किया जी। पूरे संसार के सभी राजा को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, लेकिन वो धनुष जिन्होंने भी आए उनसे वो धनुष हिला भी नहीं। अंत में रावण ने उस धनुष के पास जाके जो उसको हिलाने की कोशिश की तो आकाशवाणी से पता चला कि तेरी लंका जल रही है, तू यहाँ पर इस धनुष को देख रहा है, तो रावण वहां से पलायन कर गया, भाग गया अपनी लंका बचाने के लिए जी। वहां पर दो राजकुमार अपने गुरु के साथ पधारे थे, एक राम थे एक लक्ष्मण थे, जो विश्वामित्र जी के साथ वहां पधारे थे। विश्वामित्र जी ने उनको आज्ञा दी कि हे राम अब जाके आप धनुष का आप तोड़ो। उससे पहले महाराजा जनक ने कहा था क्या मेरी सीता मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, क्या संसार क्षत्रियों से खाली हो गया जिनसे ये धनुष हिला भी नहीं जी। तब राम ने उसको उठाया और उसके दो उसकी प्रचंडा चढ़ा के उसके दो टुकड़े कर दिया जी। यहां पर भगवान की साजिश रही है सीता जी का वरण राम से कराने के लिए, क्योंकि जो भी कुछ होता है उसका कारण ईश्वर होता है, चाहे वो उस युग में होता हो चाहे इस युग में होता हो जी। तो ये सब कुछ सोची समझी चाल थी।
और रही माता, एक बात और बताना चाहता हूँ, इसमें जोड़ देना चाहता हूँ जी, अगर राम को वनवास नहीं होता तो रावण का वध भी नहीं होता। बिल्कुल, माता केकई के जवान के ऊपर सरस्वती विराजी, सारी बुराई केकई को मिली और उसके बाद रावण का संहार का कारण राम बने, सीता बनी। यानी कि जो कुछ हुआ वो भगवान की करनी का फल था, भगवान ने जो उस समय किया उसका फल मिला। ये है स्थिति। रामायण होने से पहले रामायण लिखी जा चुकी थी जी, रामायण जो हुई उससे पहले तो रामायण लिखी जा चुकी थी जी। तो आप महसूस करें, भगवान की जो घटनाक्रम है उसको कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल, हम लोग जो हमारे ग्रंथ है उनको पढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं, हम भी कुछ नहीं जानते। हम जो पढ़ते हैं वो आपको बताते हैं, हम ही क्या जानते हैं। अगर मैं ये मान लूं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं तो मैं नादान हूं, मैं भी कुछ नहीं जानता। बिल्कुल, पहले तैयारी करते हैं फिर आपके सामने आके बातें करते हैं जी। आचार्य जी, आचार्य जी बहुत बेहतरीन जानकारी दर्शकों को आपने आज राम धनुष को लेकर भी दी, बहुत तरह की किंवदंतियां इसको लेकर थी। कई लोगों के मन में बहुत तरह के प्रश्न भी थे, हमें उम्मीद है हमारे सभी दर्शकों के मन में जो प्रश्न थे आज उनका उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। अब इस समय वक्त हो चुका है दर्शकों, क्योंकि समय की थोड़ी सी हमारे पास पाबंदी है आपके सवाल लेने का, और कुछ सवाल हमारे पास आने शुरू भी हो गए हैं, कुछ दर्शकों ने शेयर करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा कहना चाहूंगा अपने सभी टॉप स्टोरी के परिवार वालों से कि आप लोग जो है हमारी वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ साझा कीजिए, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इससे लाभ ले सके, बाकी लोग भी अपने सवाल पूछ सके, बाकी लोग भी अपने समस्याओं का समाधान जो है वो पा सके। पहला सवाल हमारे पास आया था आचार्य जी, सुमित अग्रवाल जी का। इनका जन्म हुआ है 23 सितंबर 1989। समय है दोपहर के 3:30 और जन्म स्थान है दिल्ली। ये जानना चाहते हैं कि नौकरी छूट गई है और अब तब से लेकर अब तक नौकरी नहीं लगी है, 6 महीने से घर में खाली बैठे हैं, तो क्या समस्या है, क्या उपाय ये करें? इनका मकर लगन है, मिथुन राशि है, 24/1/2020 से समय का घटनाक्रम इनके फेवर में नहीं है। इनको नजला, इनको कफ की भी अधिकता रहती है जी। नौकरी की जहां तक बात है, नौकरी इनको अगर ये उपाय करेंगे तो 1 से 1.5 महीने में मिल जाएगी और पहले से बेहतर नौकरी मिलेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं और मैनेजमेंट में ही नौकरी में लगेगी, तो स्थिति क्या है, इन्हें एक लोटा पानी रोज रात को सिराने रखें, सुबह उठ के उसके अंदर एक चुटकी काले तिल डाले और नहाने से पहले ही उसे घर के बाहर जाके किसी बड़े बेल में देने लगे, 40 दिन के अंदर अंदर इनकी नौकरी आ जाएगी, इनकी नौकरी लग जाएगी। एक ओपल 8.5 रत्ती का ये चांदी में बनवा के अपने रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड में पहन ले तो आगे नौकरी छूटने की नौबत नहीं आने की, नौकरी इनकी बरकरार रहेगी, बिना किसी परेशानी के चलती रहेगी जी। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है सुमित अग्रवाल जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं नियमित तौर पर आप इनको कीजिए, निश्चित ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न हमारे पास आया है रश्मि यादव का, उत्तर प्रदेश लखनऊ से। इनका जन्म हुआ है 3 फरवरी 1993, समय है इनका दिन में 2:55, 3 फरवरी 1993 2:55 दिन में, उत्तर प्रदेश लखनऊ। और ये लिखती है कि इनकी विवाह में रुकावट आ रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन वो किसी ना किसी कारणवश जो है नहीं बन पाते हैं, तो क्या समस्याएं हैं? इनका जो बहुत मधुर भाषा है, बहुत अच्छा है, इनका मंगली है लेकिन इनका मंगल दोष नहीं है, मंगल होने के बाद भी मंगल दोष नहीं बनता, इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बुध आदित्य योग है इनका, शादी का योग इनका बना हुआ है। फरवरी 2022 से
नवंबर 2022 के बीच में इनकी शादी हो जाएगी जी बिना किसी उपाय के। लेकिन अगर ये चाहती है इनको बहुत अच्छा लड़का मिले, अच्छा, क्योंकि गुरु की महादशा चल रही है, ये रुकावट का कारण बन सकती है, तो इन्हें भी एक 8.5 कैरेट का ओपल फायर वाला अपने रिंग फिंगर में चांदी में बनवा के फ्राइडे शुक्रवार को पहन लेना चाहिए। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लड़के के साथ इनकी शादी हो जाएगी और ये उसके बाद सुखी रहेगी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है रश्मि यादव जी, आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। दर्शकों से एक बार मेरा फिर से अनुरोध है, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग साझा कीजिए, आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। हालांकि अब काफी सरकार में एक पैगाम देना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल आचार्य जी, देखिए हमारे जब त्योहार आते हैं तो लोग कहते हैं, जैसे अब दिवाली आ रहा है या अपना आज का करवा चौथ है या इसके बाद होली आएगी, इसके बाद दूसरे और 3-4 दिन का 5 दिन का त्योहार होगा, लोग कहते हैं पटाखे मत चलाओ जी, लोग कहते हैं भोलेनाथ पे दूध मत चढ़ाओ जी, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं जी। काम वो करो जो आपको अच्छा हो और सबके लिए अच्छा हो जी। आपको अपने धर्म का पालन करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अपने धर्म का पालन उस तरह करो जिससे धर्म के ऊपर लोगों का ज्ञान मजबूत हो, लोग आस्थावान बने और आपको लाभ रहे जी। लोग क्या कहते हैं वो तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बिल्कुल आपको आस्थावान होना पड़ेगा, आपको अपने धर्म पे अडिग होना पड़ेगा, तभी आपका धर्म मेरा धर्म बचा रह सकता है। बिल्कुल आज का पैगाम आपके लिए है, हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर चले, यही टॉप स्टोरी का मोटो है और यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप हमको फॉलो करें, हम रोज नए ज्ञान की बात टॉप स्टोरी के माध्यम से आपको लगातार देते रहेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूं कि आपने हमें सुना, धन्यवाद। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बेहतरीन तरीके से दर्शकों का ज्ञान वर्धन करने के लिए, साथ ही साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां उन्हें देने के लिए, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी टॉप स्टोरी के परिवार वालों का भी धन्यवाद जो लगातार हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। कुछ सवाल आप लोगों के फीडबैक मेरे पास आने शुरू हो गए हैं, वो मैं कल के कार्यक्रम में लूंगा, आप लोगों के नाम भी लूंगा, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत भी रहती है कि आप लोग हमारे नाम नहीं लेते हैं, तो आप लोगों के नाम भी लूंगा और आप लोगों के जो फीडबैक्स आए हमारे पास वो भी कल मैं आचार्य जी के साथ शेयर करूंगा। आप लोग इस तरीके से ही अपना प्यार जो है वो हम पर बरकरार रखिए, अपना प्यार देते रहिए, कार्यक्रम को ऐसे ही आगे पहुंचाते रहिए। अपने घर वालों को, अपने परिवारजनों को, मित्रजनों को बोलिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से टॉप स्टोरी के परिवार को जो है आप लोग बढ़ाते रहिए। ताजातरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ, धन्यवाद। जितना